टॉयलेट में एक साल तक रही एक महिला, आसपास के लोगों को मिलता है खाना, अब मिली दुगनी खुशी। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा। एक साल से टॉयलेट में रह रही थी एक महिला, ये सुनकर ही शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। अपने छोटे घर के ढहने के बाद एक साल से शौचालय में रह रही थी 45 साल की मुर्गा। गुरुवार को खबर मिली कि बिजली मंत्री के कृष्ण कुट्टी के मामले में हस्तक्षेप के बाद अब उनकी देखभाल की जाएगी। मुर्गा को इस बीच उनके पति और गोद ली हुई बेटी का साथ भी नहीं मिला। मुर्गा पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं और बता दें आपको कि वे एक टॉयलेट में रह रही थी पिछले एक साल से। टीवी चैनल पर मुर्गा को लेकर खबर दिखाई गई, जिस पर कृष्णन कुट्टी की नज़र पड़ी। जनता दल से संबंधित कृष्णन कुट्टी मूल रूप से इसी जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने जिलाधिकारी समेत अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। मंत्री ने कहा कि मैं इंतजाम कर रहा हूं, उनकी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दें, उन्हें उचित इलाज दें, एक घर भी दें। अब आसपास के लोगों द्वारा खाना उन्हें मिलता है। उनके सचिव ने कहा कि महिला को पहले इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, फिर उन्हें एक अच्छी जगह पर रखा जाएगा। मुर्गा एक दुर्घटना में शिकार होने के बाद वॉकर से चलती थी, ज़्यादा दूर जाने के लिए बचती थी। आसपास के लोगों ने खाना और भोजन देते थे। मदद के बाद उन्होंने कहा है कि अब मेरी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं, मैं काफ़ी खुश हूं, वाकई में मैं सभी की आभारी हूं। अब मुर्गा को एक छोटा घर बनाने का वादा भी किया गया है। क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय दें।